वेलकम टू केडी क्लासेस। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं क्लास 12 का लेसन 7 पढ़ा रहा हूँ और क्लास 10 में भी है, क्लास 10 में भी है, आनुवंशिकता। क्लास 12 में मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की चैप्टर का नाम मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है और 10 में आनुवंशिकता जेनेटिक्स या हेरिडिटी के नाम से। ये मेरा पार्ट 5वां वीडियो है। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मेंडल के टर्मिनोलॉजी शब्दावली पढ़े थे। मेंडल के शब्दावली में बताया गया था, मेंडल के कुछ नियम को जानने से पहले उसके कुछ शब्दावली को जानना जरूरी। आज हम शुरू करेंगे मेंडल का नियम क्या होता है, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का आनुवंशिकता के नियम क्या, उनको और कितने प्रकार के नियम है, और उसकी पूरा व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे हर एक नियम का। तो मेंडल ने आपका जो नियम प्रतिपादित किया था वो आपके मुख्यतः दो नियम थे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो नियम के रूप में लॉ बनाया था, नियम बनाया था, दो थे। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक ने उनको एक और नियम इसमें इंक्लूड किया जो उनका ऑब्जर्वेशन था। वो कौन था, ध्यान देंगे। मेंडल ने मुख्यतः दो नियम प्रतिपादित किया था, दो नियम बताया था, याद रखिएगा। लेकिन पूछता है मेंडल की आनुवंशिकता कितने नियम है, तो हम यूज करते हैं तीन नियम है। मेंडल के आज के आधुनिक मॉडर्न में मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम है, तो हम कहेंगे मेंडल की आनुवंशिकता के तीन नियम है। लेकिन वास्तव में मेंडल ने दो आपका नियम को, लॉ को प्रतिपादित किया था, दिया था। दो कौन थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी कैविटी, उनका यह नियम था। दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। दूसरा नियम था इनका आपका स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों को बताएंगे। इससे पहले मैंने एक और नियम लिखा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ये जो मेंडल का प्रभाविता का नियम था, डोमिनेंस का जो लॉ लिखा गया है, यह मेंडल के वास्तव में ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण था उनका। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने उनके प्रेक्षण को भी, ऑब्जर्वेशन को भी एक नियम के रूप में प्रतिपादित कर दिया। इसलिए आज हम मेंडल के मुख्यतः तीन नियम के बारे में जानते हैं, यानी मेंडल ने तीन नियम दिया था, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी गैमिट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन नियम है। देखिए मेंडल के तीन नियम को जानने से पहले कुछ चीजें याद रखिएगा। मेंडल ने सात कैरेक्टर, सात तरह के लक्षणों का अध्ययन किया, जो हम आगे पूरा नियम खत्म करने के बाद वो सात करेक्टर कौन कौन थे वो हम आपको बताएंगे और उसको पूरा ब्लैक बोर्ड पे लिख भी देंगे। सात नियम ख्याल कीजिएगा, एक सीधी सी बात है। पौधे की पहला जो उनका लक्षण था जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पौधे की लंबाई पे, लंबाई के आधार पे पौधे दो तरह होते हैं, लंबा और बौना, याद रखिए लंबा एंड बौना। पौधे की लंबाई के आधार पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लंबा बौना लिया था। बीज, जो बीज मटर का जो बीज होता है, यानी मटर पौधे को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के बीज पे दो तरह का उनका एक्सपेरिमेंट था। एक मटर की आकृति कैसी है, यानी मटर दिखने में कैसा दिखाई देता है, गोल और झुर्रीदार, राउंड। और दूसरा आपका झुर्रीदार, व्रिंकल जिसे कहते हैं, व्रिंकल हिंदी में कहते हैं झुर्रीदार, झुर्रीदार मटर पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मटर के दो कैरेक्टर उन्होंने लिया था, फ्लावर के दो कैरेक्टर लिया था, और जो उसके सीड फॉर्म यानी मटर जिसमें रहता है, जिसे हम कहते हैं छीमी, बीज पत्र जिसे कहते हैं छीमी, जिसे कहते हैं वो जिसमें रहता है, फली जिसे कहा जाता है, फली के दो कैरेक्टर उन्होंने अध्ययन किया था। ध्यान देंगे किसी की, मेंडल ने सात कैरेक्टर का अध्ययन किया था। सात कैरेक्टर किस चीज पे था, चार चीज दिमाग में रखिएगा। मटर के आपके जो बीज होता है, बीज के दो कैरेक्टर उन्होंने लिया था। क्या, मटर के आकार कैसे होते हैं, गोल होता है और झुर्रीदार होता है। मटर के बीज का रंग कैसा होता है, ठीक है, पीला होगा और हरा होगा, ये था। यानी मटर पे के जो बीज होते हैं उस पर दो लक्षण। फिर उसके बाद पुष्प भी उन्होंने दो लक्षण लिया था। पुष्प का रंग कैसा होता है, पुष्प का रंग लाल और सफेद, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। और पुष्प की स्थिति क्या होती है, यानी फ्लावर प्लांट में कहाँ लगे होते हैं, जिसे हम एक्सिलरी और टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ये दो कैरेक्टर हो गए आपकी। इसके अलावा उन्होंने जो फली होती है, जिसे हम आपका
लोकल भाषा में कहते हैं छिमी विक्रय। तो जो यूज करते हैं यानी कच्चा छिमी से कहते हैं, हम खाते हैं खरीदते हैं, उसे फली कहते हैं। तो फली के प्रकार लिया था उन्होंने, यानी फली कैसे होती है, एक फूली टाइप होती है, यानी फली फूली हुई रहती है, इस तरह फूली रहेगी फली, यानी छिमी फूली हुई रहती है। एक जो होती है आपका पिचकी हुई रहेगी, इस तरह रहेगी। आप देखेंगे फली का आकार, जब कभी हम मार्केटिंग करते हैं छिमी खरीदते हैं तो दो तरह का आपको छिमी बिकता हुआ दिखाई देगा, फली भी बिकता दिखाई देगा, एक सीधा फूला हुआ रहेगा, एक दानेदार दिखाई देगा कि एक एक पार्ट्स में दाना है। एक फली के क्या हो ये बता, और फली का करेक्ट रंग कैसा होता है, हरा और आपका पीला, यानी फली पे दो लक्षण, फली के आपका प्रकार कैसा है, फूला हुआ पिचका हुआ, फली का रंग कैसा है, हरा है और पीला है। क्या देखिए दो आपके फली पे दो फूल पुष्प पे आपको इन्होंने एक सेटिंग किया था, दो इस पे हो गया, दो बीच पे सीड पे, यानी टोटल आपका देखा गया ये एक दो तीन, तीन में आपका इन्होंने छह करेक्टर ले लिया था, फली पे दो पुष्प पे दो और सीड पे, और एक था पौधे की लंबाई, इस प्रकार सात उन्होंने क्या किया था लक्षणों का अध्ययन किया था। लेकिन प्राय आपके जितने एक्सपेरिमेंट पर आ जाएंगे उन एक्सपेरिमेंट में उनके व्याख्या में चार तरह के अधिकतर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, चार तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा लंबा प्रभावी करेक्टर हमेशा दिखाई देगा, वरना आपको रिसेसिव करेक्टर में व्याख्या की जाती है। उसका जो रंग होता है, रंग जो होगा लाल रेड जिसे कहेंगे, रेड हमेशा प्रभावी रूप में दिखाया जाएगा एग्जाम्पल में, और इसका जो व्हाइट होगा व्हाइट हमेशा रिसेसिव में दिखाया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद ये दो करेक्टर, एक आप हमने क्या बताया पौधे की लंबाई, दूसरा स्टडी करेंगे जो सीड्स होते हैं, सॉरी फूल बताया, फूल आपका लाल होगा और सफेद होगा। जो बीज होता है बीज पे स्टडी भी ज्यादा दिया था, दिखाई देगा बीज आप कैसा होगा, आपका राउंड राउंड होगा ये बीज का, और आपका विंगड होगा, इस पर हम अध्ययन करते हैं। और बीज का रंग पे भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, रंग कैसा होगा पीला बीज, मटर जब लाएंगे पकने बाद क्या होता पीला दिखाई देता है, कुछ पीलेपन में हरे भी होते, ये ग्रीन ग्रीन रेसेसिव करेंगे, ये उसके लक्षण। ये चार लक्षण प्राय आपको एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा किताब में देखने को मिलेंगे, किसपे पौधे की लंबाई यानी लंबा और भावना पे। उसके बाद क्या होगा पुष्प का रंग, लाल पुष्प सफेद पुष्प पे। उसके बाद क्या होगा सीड बीज कैसा है, बीज आपका गोल है और झुर्रीदार है, इस पे देखने को मिलेगा। और बीज के रंग कैसे है, पीला बीज है और आपका हरा बीज, ये चार लक्षण अधिकतर एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे। हम पढ़ेंगे ये तीन नियम याद रखिएगा, मेंडल के कितने नियम है, तीन नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद रखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये आपका एक नियम है, या आर करके लिखते हैं हम, या यानी इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं और लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में पृथक्करण का नियम और युग्मक के शुद्धता का नियम। बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है जो आपके फैमिली से रिलेटेड है, आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा बताऊंगा क्या आपके परिवार से क्या संबंध है, वो अभी आपको एक्सपेरिमेंट में हम बताएंगे आपको। लॉ ऑफ डोमिनेंस सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम, तीन नियम है। आइए हम एक नियम का अध्ययन करेंगे, पहले देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, हिंदी वर्ड मिटा देते हैं। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला यूज करें, ये P1 का लगेगा, P1 पेरेंट्स जानते हैं, ये P2 का लगेगा दूसरा जनक, पहला जनक दूसरा जनक, ये आपका गैमेट है, युग्मक जिसे कहते हैं गैमेट्स को, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा हाइब्रिड, ले लेते हैं लंबा
लंबा पौधा। ठीक है, प्रभाविता का नियम क्या होता है? जब दो विपरीत लक्षण, यानी जब एक जोड़े की मत, यानी एक विपरीत जोड़े की मत, विपरीत कैसा होगा, विपरीत जोड़ा, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का मत क्रॉस कराते हैं, जब दो विपरीत जनकों के मत, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का मत क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वह लक्षण प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अर्थात जब दो विपरीत जनक के मत क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में आप क्या होता है, एक लक्षण दिखाई देगा, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देगा, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। इसी क्रिया को हम प्रभाविता का नियम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में हम समझा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल कैसे होगा, ये एग्जाम्पल रूप में हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। लंबा पौधा और बौना पौधा मत जो हमने क्रॉस कराया, मटर का एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा, जब हमने क्रॉस कराया, अब देखिए क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने से क्या होगा, आपका F1 पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन, ये F1 पीढ़ी में कैसा पौधा दिखाई दे रहा है, लंबा दिखाएगा। तो लंबा क्या किया, आपके बौने के ऊपर प्रभावी हो गया। तो जो आप क्या होगा, लंबा करेक्टर बौने के ऊपर क्या होगा, प्रभावी हो गया, यानी बौने के लक्षण को शो नहीं होने दे रहा, अपना लक्षण शो कर रहा है। इसी के लिए हम क्या कहें, प्रभाविता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहता है। एग्जाम्पल ग्रुप में आप देखेंगे आप समझेंगे, और लंबा पौधे के लिए हम जानते हैं एलील क्या हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी, लंबा पौधा। बौने पौधे के एलील क्या होता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये एलील है, ये जनक है, ये जनक है, ये जनक क्या करेगा, जब दोनों में क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने से पहले क्या होता है, युग्मक का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और क्लास 10 में 9 में भी और क्लास 11 में व्हाट इज द गैमेट बताया गया, युग्मक क्या होगा बताया गया। युग्मक एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, युग्मक किसे कहते हैं, गैमेट किसे कहते हैं, बहुत सिंपल परिभाषा है। युग्मक एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो किसी संतत को उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ध्यान दीजिएगा युग्मक परिभाषा, व्हाट इज द गैमेट्स, युग्मक किसे कहते हैं, युग्मक एक प्रकार की कोशिका होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और जो किसी संतत बेबी को जन्म देने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायी होता है, उसी को हम युग्मक कहते हैं। तो ये जनक है, ये जनक है, तो पहले क्या करेंगे, युग्मक बनाएगा, समयुग्मकीय है, होमोजाइगस है, तो एक समान युग्मक बनाएगा, एक प्रकार का युग्मक बनाएगा अर्थात कैपिटल टी आएगा, ये भी समयुग्मकीय है, एक प्रकार का युग्मक बनाएगा अर्थात स्मॉल टी आएगा। जब कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में फ्यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका डिप्लॉयड अवस्था फिर आएगी, ये जनक हो जाएगा। तो लंबा पौधा यानी लंबे के भी जीन्स इसमें आए हैं और बौने के भी जीन्स आए हैं, लेकिन लंबे के जीन्स बौने के जीन्स के ऊपर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। इसे क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उनका ऑब्जर्वेशन है जो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए यूज करेंगे आप। जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मत क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं, इसी क्रिया को या इस नियम को हम प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं। बहुत इतने लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण आप व्याख्या करेंगे। एक लंबा पौधा लेते हैं, एक बौना पौधा लेते हैं। लंबे पौधे के लिए एलील कैपिटल टी कैपिटल टी, और स्मॉल बौने पौधे के लिए एलील स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी समयुग्मकीय होने के कारण आपका एक प्रकार का युग्मक बनाएगा कैपिटल टी, बौना पौधा भी समयुग्मकीय होने के कारण एक प्रकार का युग्मक बनाएगा स्मॉल टी, दोनों आपस में संयुग्मन करके फ्यूज करके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते हैं जो संकर होता है। लेकिन आपके लंबा पौधा दिखाई देता है, इस क्रिया को हम कहते हैं लंबा उसका प्रभावी लक्षण, ऐसी को क्रिया को हम प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं। बस ये प्रभाविता का नियम हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रभाविता का नियम, आइए दूसरा नियम देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट, पृथक्करण का नियम, नाम से ही है पृथक्करण मतलब अलगाव हो रहा है, यानी दो लोग थे, दो लोग में अलगाव हो गया। लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट, शुद्ध युग्मक बन रहा है, यानी युग्मक के शुद्धता का नियम, युग्मक कैसा होगा, शुद्ध होगा, यानी उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा, कोई मिक्सर नहीं होगा, वो शुद्ध होगा। तो इसी के बारे में हम समझेंगे, ये नियम है क्या, व्हाट इज दिस लॉ।
इसको मिटाते हैं, फिर थोड़ा समझ जाएगा। यहाँ से इसको डालते हैं और तो कहीं यहाँ लिख दे रहे हैं लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट। हिंदी याद रखिएगा आप लोग, इसका क्या नाम है हिंदी, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। या और करके लिखते हैं या युग्मक के शुद्धता का नियम, युग्मकों के शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये हो गया, देखिए समझिए क्या होता है। देखिए इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत जनकों को मत क्रॉस कराते हैं, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत जनकों के मत क्रॉस कराते हैं, अर्थात दो एलील, दो संकर एलील, दो एलील को, दो विपरीत एलील को, डिफरेंट एलील को एक साथ लाते हैं, तो दोनों एलील यानी दो आपके विपरीत जनक के जो आपके एलील होते हैं वे संकर जो होते हैं एक दूसरे के साथ साथ आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहते हुए भी आपस में मिले नहीं होते, मिश्रित नहीं होते, अर्थात मिक्स नहीं होते। एफ टू पीढ़ी में जब आपका फिर से संतत बेबी का जन्म होने का समय होता है तो पहले युग्मक निर्माण के समय ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पूर्ण व शुद्ध रूप से, प्योर एंड कंप्लीट रूप से क्या होते हैं, शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम युग्मक के शुद्धता का नियम के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम किसे कहेंगे, जब हम इस नियम के साथ जब दो विपरीत यानी जब विपरीत आपके जनकों के मत आपस में पास लाते हैं, क्रॉस कराते हैं, अर्थात दो संकर एलील को जो आपस में मिलाया जाता है, तो दोनों संकर एलील के जीन्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए भी, एक दूसरे के साथ रहते हुए आपस में मिले नहीं होते। आज दूसरी पीढ़ी में F1 to F2 पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, एक दूसरे से पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट के नाम से जानते हैं। पृथक्करण हो रहा है, किसका हो रहा है, याद रखिए गैमेट्स का, इसीलिए हम क्या कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी युग्मक जो बन रहा है कैसा बन रहा है, शुद्ध बन रहा है और कंप्लीट हो रहा है। याद रखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण हो रहा है, पृथक्करण कौन होगा, तो आपके जो एक प्लांट में संकर प्लांट में जो एलील साथ साथ है वे दूसरे पीढ़ी जब आपके क्रॉस कराने जाते हैं उससे पहले युग्मक का फॉर्मेशन होता है, और युग्मक फॉर्मेशन के समय क्या होता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये होता है एग्जाम्पल रूप में बहुत अच्छा समझेंगे हम, समझेंगे आप। देखिए एक हम लाल पुष्प लेते एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो रेड फ्लावर क्या है, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर रेड फ्लावर, ये आपका ये फॉर्मेशन करेगा, ये आपका ये परमिशन होता है, दोनों मिक्स हो गए, ठीक है हाइब्रिड रेड फ्लावर। हाइब्रिड रेड फ्लावर हमने क्या कहा, जब दो आपके विपरीत जोड़े के मत आपके क्रॉस कराते हैं, जब दो विपरीत जोड़े के मत क्रॉस कराते हैं, अर्थात दो आपके संकर एलील को जब साथ लाते हैं, ये साथ लाते हैं, तो ये दोनों संकर एलील के जो जीन्स हैं, संकर एलील के
जिनसे एक दूसरे के साथ रहते हुए भी क्या है, साथ रहते हुए एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, मिक्स नहीं होते, मिले नहीं होते, ठीक है। आपका युग्मक निर्माण समय जब ये आपका फिर से इनका प्रागण कराया जाता है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, आपका निषेचन कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो युग्मक निर्माण के समय ये क्या होते हैं, दोनों आपके जीन्स पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अर्थात यहाँ संकर लाल फूल है, लेकिन जब संकर लाल फूल में स्व प्रागण कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, तो संकर लाल फूल क्या होते हैं, आपका लाल फूल के जो जीन्स होते हैं अलग हो जाते हैं और आपके व्हाइट फूल के जो जीन्स होते हैं वो आपके अलग हो जाते हैं। इनका अलगाव होने की क्रिया क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है, युग्मक के शुद्धता का नियम कहलाता है। फिर से ये एग्जांपल में एक हम लाल पुष्प लेते हैं, एक हम सफेद पुष्प लेते हैं। लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य जब संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराने के समय क्या होता है, आपके F1 पीढ़ी में आपका लाल पुष्प होगा जिसे हम संकर लाल पुष्प के नाम से जानते हैं। संकर लाल पुष्प में आपके होते हैं प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ रहते हुए भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, मिक्सिंग नहीं हो पाते, पूर्व से मिलते नहीं है। जब इनका स्वप्रागण कराएंगे, क्या कराएंगे, स्वप्रागण सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो युग्मक निर्माण से अर्थात युग्मक जब बनाएगा तो ये आपका आर अलग हो जाएगा, ये आर अलग हो जाएगा, तो ये दोनों युग्मक अलग होने की क्रिया है, क्या कहलाएगा, आपका युग्मक लॉ ऑफ प्योरिटी गेम, शुद्ध युग्मक का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम कहलाएगा, अलग हो जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा था परिवार से रिलेटेड, देखते हैं हमने बहुत ही यूटिलाइज किए होंगे अपने परिवार में, जो बच्चा जन्म होता है हम कभी भी कहते हैं ये माँ पे गया या तो पिता पे, लेकिन कभी कभी बताते नहीं माँ पे भी नहीं गया ना पिता भी नहीं गया, दादा गया या तो दादी भी गया, क्यों कहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। वो कहाँ से आ जाते हैं, दादा का करेक्टर या दादी करेक्टर, कहीं ना कहीं आपका ये नियम वहाँ फॉलो करता है, रूल लागू होता है। जैसे जो दादा दादी थे, मान लीजिए दादाजी लंबे थे और दादी बौनी थी, दादी बौनी थी, दादाजी लंबे थे, जो संतान को पैदा हुआ आपका जो सन हुआ वो आपका बौना हो गया या लंबा हुआ, जो भी गया लंबा को प्रभावी नहीं मान लीजिए वो आपका लंबा हुआ। अब बता ये लंबा हुआ इसका मैरिज किसी भी आपकी लड़की से होता है जो लंबा था, लेकिन इसका जो संतान उत्पन्न हो रहा है, जो संतान बन रहा है उसमें देखेंगे लंबे के साथ साथ बौने भी आ जाते हैं, क्या आ जाएंगे, बौने करेक्टर आ जाएंगे। तो बौना कहाँ से आया, कहीं ना कहीं ये जो लंबा शख्स है, लंबा इंसान है, इस लंबे वाले इंसान में आपके बौने आप क्या हुआ, इसके पिता के और इसके मम्मी के दोनों करेक्टर है, इसके पिताजी लंबे, माता जी इसकी क्या थी, बौनी थी, छोटी थी, आपका लेकिन ये पुत्र लंबा हुआ, लेकिन इसका जो पुत्र हुआ वो पता लगा थोड़ा सा बौना आ गया, तो बौना कहां से आया जबकि पिता लंबा है, क्यों आया, क्योंकि लंबे जो ये थे इसके जीन्स में जो आपके फैक्टर थे पिता के तो आपका प्रभावी रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके माता का जो जीन्स है वो इसमें अंदर है लेकिन आपस में मिक्स नहीं होता। अगर मिक्स हो जाता, मिलन हो जाता, मिल जाता तो अगले पीढ़ी में ये रिप्रेजेंट नहीं करता, जब मिक्स नहीं हो रहा तो इसीलिए दूसरी पीढ़ी में ये दादी का करेक्टर आपके क्या उसके पोते में दिखाई दे रहा है, पोता बौना हो गया तो कहां से आया, उसकी दादी का कैरेक्टर आया। तो ये तभी संभव है जब इसमें जो आपके आपके एलील्स होंगे, जो जीन्स होंगे, अब क्या होगा युग्मक के निर्माण समय अलग हुए होंगे, तभी अलग हो सकते हैं जब आपस में मिक्स नहीं रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ रहने के बाद ही क्या हुआ, मिक्सिंग नहीं होते, युग्मक निर्माण समय क्या होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से अलग हो जाता है। तो आपके दूसरे पीढ़ी में युग्मक का पूर्ण और शुद्ध रूप से इसका संकर पौधा, ये संकर है क्योंकि दोनों का मिक्स है, जब यो आपके दूसरे पीढ़ी में जब संकर पौधे के जीन्स ठीक है युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पूर्ण और शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, इसी क्रिया को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स के नाम से जानते हैं। ये समझ में आया, ये फॉर एग्जाम्पल हमने समझा। आइए हम साइटोजेनेटिकल व्याख्या करते हैं। देखिए कोई भी चीज होता है, मेंडल के नियम को तीन तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं, मेंडल के नियम को तीन तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। एक होता है आपका सिंपल एग्जांपल देके व्याख्या कर दीजिए, जैसे हमने क्या कहा एक लाल पुष्प लेते हैं एक सफेद पुष्प लेते हैं, पहला आपका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, एक लाल पुष्प दूसरा सफेद पुष्प, लाल पुष्प सफेद पुष्प में जो आपका क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में
क्या होता है, आपके लाल और सफेद दोनों के आपके जीन्स एक दूसरे के साथ रखे संकर लाल पुष्प दिखाई देता है, साथ रखते हुए संकर लाल पुष्प दिखाई देते हैं। जब संकर लाल पुष्प में स्वपरागण कराया जाता है तो आपके द्वितीय पीढ़ी में पौधे निर्माण से पहले युग्मक का निर्माण करते हैं, और युग्मक निर्माण के समय ही क्या होते हैं आपके संकर के जो जीन्स होते हैं, जो प्रभावी अप्रभावी जो जीन्स होते हैं, एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। तो इसी अलग होने की क्रिया क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। एक ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने कहा है, आपका व्याख्या करेंगे साइटोजेनेटिकल व्याख्या, याद रखिएगा। एक एग्जांपल की सहायता से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा होगा साइटोजेनेटिकल एक्सप्लेनेशन। कैसा, एग्जाम्पल के माध्यम से व्याख्या। दूसरा साइटोजेनेटिकल एक्सप्लेनेशन। तीसरा होता है चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड देखिए, दूसरा साइटोजेनेटिकल व्याख्या क्या होता है, जब हम किसी भी आपके लक्षण को, जो हमने बताया था अभी लाल पुष्प सफेद पुष्प, किसी भी लक्षण को हम एलील के माध्यम से, यानी उसके कौन कौन से एलील होते हैं, एलील के माध्यम से अगर हम व्याख्या करते हैं, उस क्रिया को हम साइटोजेनेटिकल व्याख्या करते हैं। जैसे हमने कहा एक लाल पुष्प है, लाल पुष्प के लिए जो एलील होता है वो आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर होगा। यानी हम एक समयमुखी लाल पुष्प लेते हैं जिसके लिए एलील क्या होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर। एक आपका दूसरा जो लक्षण होगा सफेद पुष्प लेंगे जिसके लिए आपके एलील जो होते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये भी समयमुखी है। अब समयमुखी होने के कारण एक समान प्रकार का युग्म बनाएगा, लाल पुष्प जो होगा आपका कैपिटल आर युग्म बनाएगा, सफेद पुष्प वाला आपका स्मॉल आर युग्म बनाएगा। इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में, यहाँ लिखा हुआ F1 पीढ़ी में आपका कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों आपके जीन्स एक साथ रहेंगे, लेकिन लाल आपका पुष्प वाला पौधा दिखाई देता है। तो लाल पुष्प वाला क्या प्रभाविता का नियम यहाँ लागू होता है, कौन सा नियम, प्रभाविता का नियम, यानी प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। जब इसका स्वपरागण कराएंगे, सेल पॉलिनेशन कराएंगे, तो F2 पीढ़ी में ये एक दूसरे से क्या होते हैं पूर्ण रूप और शुद्ध रूप से क्या होते हैं अलग हो जाएंगे। इसी को हम युग्मक के शुद्धता का नियम कहते हैं, युग्मक के शुद्धता का नियम कहते हैं, क्लियर। और दूसरे पीढ़ी में आपके टोटल चार प्लांट का निर्माण करेंगे, किसका, चार प्लांट का निर्माण करेंगे। जो चार प्लांट का निर्माण करेंगे हम चेकर बोर्ड समझेंगे कैसे होगा। देखिए साइटोजेनेटिकल व्याख्या कर रहे थे हमने, आपका लाल पुष्प लिया जिसके लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, और सफेद पुष्प लिया जिसके लिए स्मॉल आर स्मॉल आर, ये समयमुखी है, आर आर युग्म बनाएगा, ये स्मॉल युग्म बनाएगा, दोनों मिल गया क्या हुआ संकर लाल पुष्प बनाएगा। अब संकर लाल पुष्प क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय हमने बताया एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद दूसरी पीढ़ी में, ये F2 पीढ़ी में क्या हो गया, आपके चार पौधे बनाए, कितने पौधे, चार पौधे। अब देखिए ये आपका युग्म बनाया, मान लीजिए जब स्वपरागण कराएंगे क्या कराएंगे, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, याद रखिएगा स्वपरागण, स्वपरागण क्या कराएंगे, स्वपरागण। जब स्वपरागण कराएंगे पहले ये युग्मक बनाएगा, युग्मक बनाने से क्या होगा आपका कैपिटल आर अलग और स्मॉल आर अलग, अर्थात प्रभावी जीन अलग अप्रभाविक जीन अलग, इसे क्या कहेंगे, युग्मक के शुद्धता का नियम कहते हैं। अब देखिए एक आपका मेल गैमेट हो गया, एक आपका फीमेल गैमेट, एक नर युग्मक दूसरा आपका मादा युग्मक। अब देखिए नर युग्मक मादा युग्मक क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे ना जी दूसरे पीढ़ी के लिए, तो नर और मादा युग्मक जब मिलेगा क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल आर है यहां कैपिटल आर, तो सबसे पहले हम कैपिटल को लिखते हैं स्मॉल को बाद में लिखेंगे, इसलिए हमने कैपिटल आर पहले लिखा स्मॉल आर बाद में लिखा। फिर यहाँ पर क्या होगा स्मॉल आर यहाँ भी है, स्मॉल आर यहाँ भी है, स्मॉल आर स्मॉल आर है, इसे कहते हैं आपका चेकर बोर्ड। क्या कहेंगे, ये चेकर बोर्ड। हमने बताया था पुनेट चौकाना ने चेकर बोर्ड की परिकल्पना दी थी, जिसको आपके लाइनिंग में यानी वर्टिकल लाइन खड़े लाइन में बांट करके उन्होंने कॉलम बनाया था, उसी कॉलम को हम चेकर बोर्ड के नाम से जानते हैं, इसे चेकर बोर्ड व्याख्या कहते हैं। तो F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी आएगा, F2 पीढ़ी में कितने प्लांट है, चार तरह के पौधे, चार पौधे बने, लाल ये आएगा, ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, ये सफेद होगा। क्यों लाल होगा,
ये आपका दोनों कैपिटल आर है, लाल आपका कुछ दिखाई देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर आपका इसका ये उसको प्रभावित है, इसलिए कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। इसमें भी कैपिटल आर है स्मॉल आर है, अर्थात प्रभावी वाला अप्रभावी के ऊपर प्रभावी जाएगा, इसलिए लाल पुष्प दिखाई देगा, जबकि दोनों जिन्स क्या है अप्रभावी के, इसलिए ये सफेद दिखाई देगा। आइए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें इस सजा पे। एक क्या बना है, कैपिटल आर बना। दो क्या बने, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी आपके दो संकर बने, क्या बने संकर। एक क्या बना है आपका स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी एक शुद्ध, देखिए 25% शुद्ध आपका लाल पुष्प दिखाई देगा, प्योर है दूसरे पीढ़ी में, और दो आपके संकर दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे संकर, जिसमें आपके दोनों को जीन्स है। तीसरा क्या है आपका, इसमें एक दोनों जीन्स क्या है अप्रभावी वाले, यानी ये भी शुद्ध होगा। अब देखिए 25% शुद्ध प्लांट, 50% संकर प्लांट, फिर 25% शुद्ध प्लांट, 25% प्रभावी वाला शुद्ध रहेगा, 25% अप्रभावी वाला शुद्ध रहेगा, और 25% दोनों का मिक्सिंग रहेगा। इस आधार पे 75% रेड दिखाई देंगे और 25% क्या होगा व्हाइट दिखाई देगा, यानी तीन लाल पुष्प दिखाई देगा और एक सफेद पुष्प दिखाई देता है, जिसका अनुपात 3:1 आएगा। ये जो व्याख्या किया गया है इसकी व्याख्या हम मोनोहाइब्रिड द्वारा करते हैं, इसके द्वारा एक संकर संकरण द्वारा किया था, बताया था जब एक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे उस क्रिया को हम एक संकर संकरण कहते हैं। तो हम लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट की व्याख्या एक संकर संकरण के माध्यम से कर सकते हैं। एग्जाम पीरियड में क्या लिखना है जो बताया गया आप उसको लिखिए, क्या कहते हैं, ठीक है, जो नहीं समझ आता है फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको। याद रखिएगा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को व्याख्या तीन तरह से, एग्जाम्पल द्वारा, साइटोजेनेटिकल व्याख्या द्वारा, ये चेकर बोर्ड, यानी चेकर बोर्ड में सब कुछ साइटोजेनेटिकल व्याख्या आ जाता है। युग्मक के शुद्धता के, ये आपका इनका हो गया युग्मक के शुद्धता के। फिर लॉ ऑफ सेग्रेगेशन जो तीसरा नियम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, फिर से मिलते हैं, सी यू अगेन।